और सीधे आपको ले चलेंगे इस वक्त ममता बैनर्जी बोल रही हैं। आंदोलन থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে বিজেপি ने आज बंद বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে লোকও লাশ সে গিয়ে ডেড বডি আমি তাদের ধিক্কার জানাই সাজেস্ট কর রही हूं আজ কি আমার ছেলে মেয়েরা যখন আসছিল বিভিন্ন মার্গে आज भी ধুলাগড় থেকে শুরু করে আ রহে থে ধুলাগড় থেকে লেকর কই এক জায়গা পর বসো মে তোড় ফোড় কি রही है आज भी पुलिस पर पुलिस को पीटा गया है सिर्फ यही नहीं रेल के सिग्नल को जानबूझकर देर किया गया है क्योंकि रेल सीबीआई ईडी सब बीजेपी कर रहे हैं सब बीजेपी चला रही है मैंने आज तक ऐसी केंद्र सरकार नहीं देखी है बीजेपी पार्टी एक दलदास की सरकार है शर्मनाक पार्टी है ऐसी अहंकारी ऐसी झूठ बोलने वाली ऐसी झूठ बोलकर प्रचार करने वाली ऐसी साजिश करने वाली मैंने कभी नहीं हमने भी छात्र राजनीति की है हम बंद की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं कि कैसा बंद किसको लेकर बंद नरेंद्र मोदी विरुद्ध बंद करो जिन्हें आज पर्यंत बंद करना चाहते हो तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बंद करें जो जो एजेंसी लगाकर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की घटना के बावजूद रिजाइन नहीं किया असम की घटना को लेकर इस्तीफा नहीं दिया मध्य प्रदेश की घटना पर इस्तीफा नहीं दिया यहाँ तक कि मणिपुर तक आज तक नहीं गए असम में आरोपी को मार दिया गया कल हमने विजुअल देखा डेड बॉडी लेने आए थे पुलिस लेकिन कोलकाता पुलिस काफी संयम से काम किया किसी की आंख फोड़ दी किसी का सिर फोड़ दिया किसी के कान में चोट आई किसी के हाथ पांव को तोड़ दिया गया फिर भी मैं पुलिस को कल की घटना के लिए सैल्यूट करती हूँ क्योंकि उन्होंने अपने खून का बलिदान देकर संयम रखा और बीजेपी के हाथ में कोई लाश नहीं दी डेड बॉडी नहीं दी इतनी जल्दी क्यों है कुछ दिन पहले भी तो 4 बाई इलेक्शन हो गए इतनी बुरी तरह हारे फिर भी शर्म नहीं आती वो तो तुम्हारे ही चीज थी समूचे भारतवर्ष में कहीं नहीं जीतोगे समझ लो और इसीलिए ये साजिश कर आज एक बात बताइए तो मैं जज के बारे में नहीं बोल रही हूँ जजमेंट के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी कानून पढ़ा है कहिए महाराष्ट्र की अदालत बंद को अवैध करार दे सकती है महाराष्ट्र की अदालत ने बंद को इलीगल अवैध करार दिया इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने बंद को अवैध घोषित किया है और भी बहुत सारी अदालतों ने किया है आप लोगों का मैं वकीलों से कहूंगी याद रखिएगा बीजेपी को ये जगह कोर्ट में मत दीजिएगा आम आदमी अदालत में जाकर न्याय की मांग करता है न्याय की उम्मीद करता है मैं अब बताती हूँ आपको मैं झाड़ग्राम में थी 9 तारीख की शाम को मैं लौट रही थी मेरे पास खबर आई और इसलिए पुलिस कमिश्नर से लेकर उसके परिवार और सभी वहाँ पहुँच गए थे
मैंने सबसे बात करके जो करना था जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुलाने से लेकर सब किया। देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना थी, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लिया गया वो कोई देरी ना हो, कोई गलती ना हो, और हमने चाहा था 7 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाकर फांसी दे दी जाए। आज जो कामधुनी लेकर बोल रहे हैं उनको कहेंगे, कामधुनी मामले में भी हमने फांसी मांगी, दो जन को आजीवन कारावास हो गया हाईकोर्ट के आदेश के बाद। अब तो बहुत सारे चोर डकैतों को छोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा मेरे पास कई सारी ऐसी फाइल है, 10 से 12 साल हो चुके हैं, उनको छोड़ दिया जाए, क्यों छोड़ दिया जाए? जो पुनी है उसको क्यों छोड़ दिया जाए? जो रेपिस्ट है उसको क्यों छोड़ दिया जाए? जो अत्याचारी है उसको क्यों छोड़ दिया जाए? कैसा नियम है? मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी देकर सतर्क किया, आवेदन किया, आपने एक न्याय संहिता बनाई है, नया कानून बनाया है, उसमें 10 साल और 12 साल और 16 साल की एक किस्त है और उसके बाद 10 साल। इस न्याय संहिता को करने की क्या जरूरत है? मैं अब भी बोलती हूँ राज्य के हाथ में पावर नहीं है, राज्य के हाथ में अगर पावर होती तो मैं 7 दिन में कर देती, अगर मेरे हाथ में पावर आ जाए तो मैं 7 दिन में फांसी पर चढ़ा दूंगी, फांसी फांसी फांसी। ये एक काम रेप जैसा काम, और ये सजा देने पर सब सब ठंडे हो जाएंगे। कुछ कुछ मोदी मीडिया इनको प्रमोट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के मैं खिलाफ नहीं, लेकिन बहुत सारे गलत प्रचार किए जा रहे हैं, साजिश की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है। मैं छात्रों को एक बात कह रही हूँ कि अब आज की तारीख में साइबर क्राइम सबसे प्रमुख क्राइम है। AI, मैं हूँ मान लीजिए, लेकिन AI के जरिए मुझे खड़ा करके मेरी आवाज देके ऐसा कुछ क्रिएट किया जाएगा, समझिए आपकी आवाज किसी और की आवाज की आवाज AI के जरिए बना दी जाती है। और जब तक आप समझेंगे तब तक 2 दिन निकल चुका होगा, तब तक आग लग चुकी होगी। याद रखिएगा हम ऐसे कोई काम नहीं करते हैं जो आम इंसान के पक्ष में नहीं है, हम वही काम करते हैं जो आम आदमी के पक्ष में है। मैं आपको बात कह रही हूँ, नेक्स्ट वीक मैं असेंबली बुला रही हूँ स्पीकर को लेकर, और हम लोग वेस्ट बंगाल असेंबली से आने वाले 10 दिनों में रेसिस्ट को फांसी देने वाला बिल पास करूंगी। अब सेंटर को भेजेंगे, लेकिन मैं राजा बाबू का पार्ट जानती हूँ, और अगर नहीं किया तो राजभवन के सामने माँ बहने बैठी रहेंगी घंटे के घंटा, राज्यपाल को ये साइन करना होगा, राष्ट्रपति के पास भेज कर जिम्मेदारी से हटने से नहीं होगा। और आप बड़ी बड़ी बात कहते हैं राज्यपाल, आपके राजभवन की एक महिला के साथ आपने छेड़खानी की, उसको न्याय नहीं मिला, वो शॉक्ड है, उसको मैंने दूसरी जगह नौकरी दी है, वो ट्रॉमाटाइज हो चुकी है। ये सब बात आप नहीं बोल पाते, कर नहीं आते, कल कौन लोग आए थे आंदोलन करने, छात्राए थे या फिर कोई और?
छात्र कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है, युवा समाज आपके साथ नहीं है, अच्छी बुद्धि के लोग नहीं है। अच्छा बताइए तो अगर बंगाल के लोगों को वो नवानों नहीं पहचानेंगे, वो राजभवन नहीं पहचानेंगे। मैंने तो देखा कि राजभवन के दक्षिण गेट पर भी पथराव किया गया। ये लोग कौन है, कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे? मैं साफ बोल देती हूँ, बंगाल सबको ग्रहण करता है, सबको अपनाता है, सबको अलंकृत करता है, सर्वधर्म मानता है, सबको प्यार करता है। लेकिन अगर कोई समझता है कि बाहर से आकर बंगाल को अपमान करेगा, बंगाल को अशांत करेगा, वो याद रख लें, बंगाल ऐसे अचल नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। जिन लोगों ने मारा है उन्हें खोज खोज के निकाला जाएगा और हम चाहते हैं उनको सजा मिले। कोर्ट क्या करेगा हमें नहीं पता, बीजेपी जो बोलती है कोर्ट वही करता है, लेकिन आम आदमी को सजा देंगे, ये याद रखिएगा। मैं नहीं कहूंगी कि आम आदमी को भी अपना कानून अपने हाथ में ले, जब जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हमने डॉक्टरों के खिलाफ एक भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमने समझा कि उनका आंदोलन सही है, वो अपने दोस्त के लिए न्याय मांग रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर कर दी, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अभी तक जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो उन्होंने ज्वाइन करना चाहिए। 9 तारीख के बाद से अब तक कितने दिन हुए, 9 तारीख को पुलिस को डेड बॉडी मिली, 10 तारीख को रात 3 बजे के आसपास क्रिमेशन हुई, सारा रात जग कर काम हुआ। 11 तारीख क्योंकि अंतिम संस्कार था, उस दिन को छोड़कर 12 तारीख को मैं उनके घर गई, उनके पिता से बातचीत की, उनके पिता से कहा कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, हमसे आपको क्या क्या चाहिए, आपकी क्या मांग है। मैंने पुलिस कमिश्नर को अपने साथ मैं लेकर गई, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज उनको दिखाया गया था। मैंने सिर्फ कहा था आज सोमवार है, मुझे शनिवार तक सिर्फ समय दे दीजिए, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि 5 दिन, मंगलवार के भीतर सीबीआई हो गया। इसका मतलब वो लोग न्याय नहीं चाहते, वो लोग मामले को पानी में डाल चुके। आज कितने दिन हुए मंगलवार को सीबीआई के हाथ में गया था मामला, संभवतः मंगलवार को सीबीआई हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है। शाम तक उनको कागज और दस्तावेज मिल गए। आज 16 दिन, 16 दिन हो चुका है, कहाँ गया न्याय? न्याय चाहिए, बोलना पड़ेगा, जवाब दो सीबीआई, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, जवाब दो सीबीआई। आज जो जूनियर डॉक्टर्स की रैली है, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से रैली करे, मेरा समर्थन उनके साथ है। साथ ही मैं कहूँगी आप लोग तो मानविक हैं, आप लोग तो लोगों को सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आग्रह किया है, बहुत लोग बिना ट्रीटमेंट के मारे गए हैं, ये गरीब लोग हैं, जो गरीब नहीं है, जो पैसे वाले हैं वो तो प्राइवेट अस्पताल में ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
लेकिन जो गरीब है वो नहीं पकते, वो कहाँ जाएंगे?